बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निक के सेट पर चोट आई थी जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था। निक ने बताया था कि वो ठीक है और पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। निक ने बताया कि बाइक से एक्सीडेंट के दौरान उनकी एक पसली क्रैक हुई है और थोड़ी बहुत चोट लगी है। ऐसे में अब प्रियंका घायल पति के सपोर्ट में उतरी हैं। हाल ही में निक ने अपने एक्सीडेंट के बारे में कहा, मैं बस आगे बढ़ना चाहता था और कहना चाहता था कि अगर मैं शारीरिक रूप से उतना उत्साही नहीं हूँ जितना कि मैं आम तौर पर होता हूँ। अब निक को BBMA की मेजबानी करते फैंस देखने वाले हैं, यानी कि निक जोनस बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स प्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन अब चोट लगने के बाद प्रियंका उनकी मदद करेंगी। निक के घायल हो जाने से फैंस काफ़ी परेशान हो गए थे। ऐसे में पॉप सिंगर और एक्टर निक जोनस को अब बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 की मेज़बानी करने से चोट के बाद भी नहीं रोक रहा है। ये शो 24 मई IST को होने वाला है। आपको बता दें कि BBMA 2021 पहला अवार्ड शो होगा जिसका सीधा प्रसारण अमेरिका में COVID-19 के टीके उपलब्ध कराए जाने के बाद से होगा। खबर के अनुसार प्रियंका चोपड़ा BBMA 2021 का हिस्सा होने वाली हैं। कहा जा रहा है कि वो घायल पति के लिए शो में नजर आने वाली हैं। खबरों की माने तो प्रियंका निक की चोट के बाद मदद करने और उन्हें समर्थन देने लंदन से वापस आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका पिछले कुछ महीनों से लंदन में है क्योंकि उन्होंने मैट्रिक्स 4 टेक्स्ट फॉर यू की शूटिंग पूरी कर ली है और वर्तमान में रिचर्ड मैडन के साथ सिटाडेल की शूटिंग कर रही थी, यानी कि जब पति को चोट लगी थी वो लंदन में ही थी। आपको बता दें कि निक जोनस ने हाल ही में अपना स्टूडियो एल्बम स्पेसमैन रिलीज किया है। एक एक्टर के रूप में वो जुमांजी, वेलकम टू द जंगल, मिडवे और केओस वॉकिंग में भी दिखाई दिए थे। निक 23 मई 2021 को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले थे। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस साल 2018 में 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे थे। ये शादी उदयपुर में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों ही रीति रिवाज से हुई थी।